हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा ये जो चैसिस। तो दोस्तों, आप देखिए, ये सैमसंग कंपनी का एक 14 इंची टीवी का अंदर, ये 14 इंची अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब का अंदर, टीवी का अंदर ये चैसिस देखा। ठीक है, तो ये चैसिस आप अच्छा करके ऊपर से एक बार देख लीजिए और उसका बाद ये चैसिस मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये चैसिस, जो चैसिस का बॉटम स्विच है, देखिए 1 2 3 4 ये 5 बॉटम स्विच है इसका। ये सेंसर है, पावर इंडिकेटर है और ये पावर ऑन स्विच है। ठीक है, बॉटम स्विच और ये एसटीआर पावर सप्लाई है। इसका एसटीआर नंबर आप एक बार खुद ही देख लीजिए, मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसका एसटीआर नंबर W6754F। ठीक है, इसका एसटीआर नंबर। और इसका ये पावर सेक्शन के अंदर देखिए, दो बड़ा बड़ा कैपेसिटर, फिल्टर कैपेसिटर है। ठीक है, और ये चैसिस का वर्टिकल आईसी नंबर आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये अल्ट्रा स्लिम चैसिस है और इसका वर्टिकल आईसी नंबर LA78045। ठीक है, और इसका ESD स्टिकर अभी इसी टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं। और इसका बेस बोर्ड देखिए, कितना ट्रांजिस्टर, 1 2 3, ये 9 ट्रांजिस्टर का बेस बोर्ड है। ठीक है, अब अच्छा करके देखिए, और ये स्मॉल नेक बेस है। ठीक है, तो ये पीसीबी का प्रॉब्लम क्या है आपको बताऊंगा सब कुछ डिटेल्स। और सैमसंग चैसिस का अंदर देखिए, ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर इसका अंदर हीट सिंक नहीं है। और ये पीसीबी एक टेक्नीशियन रिपेयर करने का बाद जरूर छोड़ के चला गया, आप देख सकते हो। इसका एक डिनर डायोड ओपन है और पीसीबी उल्टा करके देखने के बाद आपको जो दिखाना चाहता हूँ, कुछ पोजीशन सोल्डरिंग है जो आप देख सकते हो, वर्टिकल आईसी पोजीशन सोल्डरिंग है। और ये डाइवर ट्रांसफार्मर जो है, डाइवर ट्रांसफार्मर का पास देखिए, इसका अंदर जो सप्लाई लाइन का एक रेजिस्टेंस, ये सब इसी तरह सोल्डरिंग है। ये पोजीशन सोल्डरिंग है और मेन प्रोसेसर आईसी का ये जो पोजीशन आप अच्छा करके देखिए, ये पोजीशन एक पिन ओपन और सोल्डरिंग है। ठीक है, तो लगता है ये पीसीबी का बहुत कुछ प्रॉब्लम है। और इसका ट्यूनर पोजीशन देखिए, ये सब पिन ओपन करके कुछ वोल्टेज जरूर चेक किया है। और ये इनपुट पोजीशन आप देखिए, जो ऑडियो वीडियो सिग्नल इनपुट पॉइंट, ये फॉइल लाइन पर भी जम्परिंग है, ये पोजीशन भी सोल्डरिंग है, बहुत कुछ पोजीशन सोल्डरिंग है। तो चलिए, इसका प्रॉब्लम किस तरह आता है एक बार सप्लाई देखिए, आपका सामने मैं देखूंगा। इसीलिए देखिए इसका ESD कैप, ठीक है, मैं थोड़ा दूर रखता हूँ, रखने का बाद आपका एक बार सप्लाई देके देखूंगा। ठीक है, तो सप्लाई देके दिखाने का पहले इसी टाइम एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ नॉर्मल सप्लाई देके किस तरह इसका सिम्टम आ रहा है। चलिए मैं सीरीज लाइन से सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, ये सीरीज लाइन है, चलिए मैं सप्लाई दे दिया। देने के बाद इसके इंडिकेटर लैंप पर फॉलो कीजिए, देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। दोस्तों इस तरह पावर इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, पांच बार ब्लिंक करने के बाद ये स्टॉप हो गया। ठीक है, देखिए पांच बार ब्लिंक करने के बाद स्टॉप हो गया। तो चलिए कैमरा को मैं सेट करने के बाद आपको कुछ पोजीशन का वोल्टेज टेस्ट करके देखूंगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद चलिए मैं कैमरा को इसी टाइम स्टैंड पर रखा है और इसी टाइम और एक बार ये सप्लाई देके दिखाता हूँ। आप ये जो इंडिकेटर लैंप है यहाँ पर आप फिर भी एक बार फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। दोस्तों देखिए सेम तरह पांच बार ब्लिंकिंग होने का बाद ये स्टॉप हो गया। तो चलिए इसी टाइम एक बार इसका वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा। देखिए मीटर को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया, ठीक है, और ये नेगेटिव है चॉपर का। ESD सप्लाई अभी कितना है देखिए, 137 21 37 21, इसी तरह अप डाउन हो रहा है ESD सप्लाई। ठीक है, अब अच्छा करके फॉलो कीजिए। और चलिए इसका जो 12 वोल्ट सप्लाई लाइन, यहाँ पर कितना वोल्ट देखिए,
9 वोल्ट 10 वोल्ट 9 वोल्ट 10 वोल्ट 9 वोल्ट 10 वोल्ट इसी तरह अप डाउन हो रहा है। दोस्तों ये सप्लाई जो जा रहा है डाइवर कॉइल पर, डाइवर पिन पर कितना वोल्ट देखिए, 9 वोल्ट 8 वोल्ट 1 वोल्ट इसी तरह 1 वोल्ट 8 वोल्ट 9 वोल्ट ये अप डाउन हो रहा है, इसी तरह वोल्टेज ही अप डाउन हो रहा है। तो और चलिए ये दो वोल्टेज आपको इसी टाइम दिखाया, और चलिए इसी टाइम एक बार आपको दिखाऊंगा 180 वोल्ट लाइन, ठीक है। तो चलिए अब मीटर पर फॉलो कीजिए, ये नेगेटिव है और ये जो ब्लैक वाला बॉर्डर ये जा रहा है इसका नीचे, ये 180 वोल्ट लाइन का, ठीक है। 180 वोल्ट लाइन देखिए 100 वोल्ट और इसी से नीचे चला जाता है, 100 वोल्ट और इसी से नीचे चला जाता है। तो दोस्तों अभी मैं ये कॉइल ओपन करके रखा है, ठीक है। तो इसी तरह अप डाउन नहीं होना चाहिए, तो इसका मेन फॉल्ट क्या है। तो चलिए इसी टाइम इसका 5 वोल्ट सप्लाई एक बार चेक करके देखना पड़ेगा, ट्यूनर पिन पर जो 5 वोल्ट जाता है, देखिए ये 5 वोल्ट सप्लाई ओके है, बट 5 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट देखिए ओके है, इसका 5 वोल्ट ओके है करके देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं क्या करूँगा कि इसी टाइम ये जो ESD सप्लाई लाइन है, ये जो ESD का अंदर सप्लाई जा रहा है, ये जो ब्लैक वाला लाइन से बीच में ये जो रेजिस्टेंस और जम्पर भी हो सकता है, ये लाइन का एक बार ओपन करूँगा। ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को ओपन करने का बाद एक बार देखूँगा कि ESD सप्लाई कितना प्रॉपर आ रहा है, और उसका बाद ये वोल्टेज अप डाउन हो रहा है कि नहीं एक बार कन्फर्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इसी तरह करके देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक पास चेंज कर दूंगा और ये हो जाएगा, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बट कुछ कुछ प्रॉब्लम को आपको स्टेप बाय स्टेप करके देखना पड़ेगा। तो देखिए ये रेजिस्टेंस को मैं अभी देखिए ये ओपन किया, ठीक है, ये ESD सप्लाई का ओपन किया, देखिए जब मैं ओपन किया तो ये सप्लाई ESD पर नहीं जाएगा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन का अंदर एक 100 वाट बल्ब कनेक्शन करके देखना पड़ेगा, देखिए मेरा पास ये 100 वाट एक बल्ब है, ये बल्ब को मैं चले मैं यहाँ पर ही कनेक्शन करूँगा, ये 110 वोल्ट लाइन का साथ मैं कनेक्शन किया, और एक वायर का आपको नेगेटिव का साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। चलिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पर ये पॉइंट का मैं कनेक्शन किया। तो इसी टाइम एक बार सप्लाई देखे देखना पड़ेगा क्या रिजल्ट आता है, इंडिकेटर लैम्प बिंग कर रहा है कि नहीं, ये भी एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, दोस्तों सप्लाई दे दिया और इसका 100 वाट बल्ब देखिए कुछ भी ब्लिंकिंग नहीं है। एक बार वोल्टेज चेक करने के बाद पता चल जाएगा, मीटर को फिर भी 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया, और उसका बाद ये वोल्टेज एक बार चेक करके देखना पड़ेगा, देखिए 122 वोल्ट परफेक्ट है, कुछ भी फ्रैक्चरेट नहीं है। अब पाचा करके देखिए 122 वोल्ट परफेक्ट है, 122 वोल्ट ये परफेक्ट है, कुछ भी अप डाउन नहीं है। तो मतलब ये पावर सेक्शन ओके है, और ये 12 वोल्ट लाइन का वोल्टेज कितना है दोस्तों, 11 वोल्ट के आसपास, ये भी परफेक्ट है। तो दोस्तों मतलब इसका आउटपुट सेक्शन का कुछ फॉल्ट है, ठीक है, आउटपुट सेक्शन मतलब ESD सेक्शन हो सकता है, इसका IC सेक्शन और अलग अलग कुछ भी शॉर्टिंग हो सकता है, ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको आइडेंटिफाई करना का पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसी टाइम जो कन्फर्म हो गया कि पावर सेक्शन ओके है, चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, ऑफ करने के बाद मैं देखूँगा कि इसका और क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों इसी टाइम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सब सोल्डरिंग पॉइंट, इसको मैं अच्छा करके वो सोल्डरिंग किया, और ये IC पोजीशन एक पिन ओपन था, ये भी मैं सोल्डरिंग कर दिया। करने का बाद ये अलग सा मैं ये योक कॉइल देखिए, हॉरिजेंटल का रेड और ब्लैक, और ये दो हॉरिजेंटल का, ठीक है, और ये दो वर्टिकल का मैं नॉर्मल सा एक पिक्चर ट्यूब पर कनेक्शन किया। बट दोस्तों ये PCB अल्ट्रा स्लिम का PCB है, ठीक है, मैं 14 इंची नॉर्मल ट्यूब पर कनेक्शन किया, और इसका ESD सप्लाई भी मैं कनेक्शन कर दिया, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद चलिए आपको इसी टाइम इसका कंडीशन किस तरह आता है आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है।
तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, सीरीज लाइन से मैं देता हूँ, ठीक है। देखिए सप्लाई दे दिया और इसका इंडिकेटर बल्ब देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो दोस्तों देखिए पांच बार ब्लिंक करने के बाद बंद हो गया और ESD से चिंक 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 इस तरह आवाज़ निकल रहा है, ठीक है। तो आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए कि स्क्रीन का अंदर देखिए लाइट आने के बाद ये चला जाता है। देखिए देखिए मतलब ESD बनता है और ये प्रोटेक्शन मोड पर चला जाता है, ठीक है। इसी तरह इसका फॉल्ट है, आप अच्छा करके फॉलो कीजिए। और ये कुछ टाइम के बाद ये स्टॉप हो जाता है, फिर भी ये ऑन हो जाता है। देखिए स्टॉप होने के बाद ये फिर भी ऑन हो गया, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, नाइन टाइम इस तरह लाइट आने के बाद स्टॉप हो गया, फिर भी ऑन हो गया। आप अच्छा करके फॉलो कीजिए। तो इस तरह ये कंटिन्यू हो रहा है और इसी टाइम इसका 180 वोल्ट आप देख सकते हो, ये 100, आप इसी टाइम देखिए ये 180 वोल्ट लाइन का वोल्टेज, ठीक है। ये देखिए 180 का आसपास चला जाता है और वो डाउन हो जाता है, फिर भी 180 वोल्ट के ऊपर देखिए चला जाता है और वो डाउन हो जाता है। इसी तरह इसका फॉल्ट है, ठीक है। तो आपको सिम्टम को अच्छा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, देखने के बाद तब आप प्रॉब्लम को रिपेयर कर पाओगे। इसी टाइम आपको देखना पड़ेगा ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर ये हीट हो रहा है कि नहीं। दोस्तों ये आउटपुट ट्रांजिस्टर नॉर्मल हीट हो रहा है, तो इसका मेन फॉल्ट क्या है, चलिए आपको बहुत क्लियर करके दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसी टाइम आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि ये ESD सेक्शन का फॉल्ट है कि ये IC सेक्शन का फॉल्ट है, ये किस तरह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत कुछ इसका अलग अलग पार्ट है, ये वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, ये IC सेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, ESD सेक्शन का फॉल्ट हो सकता है, बेस सेक्शन का हो सकता है, साउंड सेक्शन का फॉल्ट हो सकता है, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस तरह। चलिए मैं फिर भी सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद इसी टाइम आपको देखना पड़ेगा ये जो ड्राइवर सिग्नल का पास जो बेस पर जो IC से H आउट सिग्नल आता है, यहाँ पर ये देखिए ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर कितना वोल्ट, 0.4 वोल्ट के आसपास देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 0.4567 इसी तरह वोल्ट, बट ये अप डाउन कर रहा है, ठीक है। अब अच्छा करके देखिए 0.4 वोल्ट का आसपास होना चाहिए, बट ये 4, 5, 6, 7 इसी तरह 8 वोल्ट, ठीक है, अप डाउन कर रहा है। ये डाइवर ट्रांजिस्टर का बेस सिग्नल वोल्टेज, तो इसी का रीजन से दोस्तों। चलिए मैं सप्लाई अप करके आपको दिखाता हूँ और आप स्क्रीन पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ टाइम लाइट आने का बाद वो बंद हो जाता है, ठीक है, और फिर भी लाइट आता है। तो दोस्तों जब बंद हो जाता है और बंद होने के बाद जब ऑन होता है तो इसका अंदर जो रिले है, ये जो रिले है, रिले से खटक्स खटक्स टाइप एक आवाज़ निकलता है, ये रिले है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ करके आपको इसी टाइम जो बताना चाहता हूँ कि किस तरह आइडेंटिफाई करें कि ये IC सेक्शन का फॉल्ट है कि ये ESD सेक्शन का फॉल्ट है। तो इसीलिए मैं इसी टाइम क्या करूँगा, ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर को मैं ओपन कर दूंगा। आप ये बेस पिन को ओपन कर सकते हो, सप्लाई पिन और बेस पिन दोनों पिन को ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर का, दोस्तों ये ड्राइवर कॉयल है, ये ड्राइवर कॉयल का ये पिन पर सप्लाई आता है और यहाँ से सप्लाई आउटपुट होने के बाद ये बीच में ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर सप्लाई जाता है। ये नेगेटिव पिन है और दोस्तों ये बेस पिन है। तो बेस पिन के अंदर ये जो लाइन जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है, ये लाइन से दोस्तों देखिए बीच में कॉयल है और बीच में यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है और IC का एक पिन से जो H आउट सिग्नल निकलता है, ठीक है। तो यह IC से प्रॉपर सिग्नल निकल रहा है कि नहीं ये आप चेक कर सकते हो।
तो इसीलिए ये पोजीशन को मैं डाइवर्ट ट्रांजिस्टर पिन को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसी टाइम मैं ये ट्रांजिस्टर का दोनों पिन को मैं ओपन कर दिया, ठीक है। ये दो पिन को, ये बेस पिन और ये सप्लाई पिन को ओपन किया। और इसी टाइम चलिए यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर का पिन पर मैं टच नहीं करूँगा, ये जो फॉइल लाइन है यहाँ पर टच करूँगा, ठीक है। आप अच्छा करके देखिए, ये जो ट्रांजिस्टर का पिन पर मैं टच नहीं करूँगा, ये जो लाइन है फॉइल लाइन जो आईसी के साथ कनेक्टेड है, ये जो लाइन शुरू वाला लाइन, ये जो शुरू वाला लाइन जा रहा है, ठीक है। आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, ये जो लाइन जा रहा है यहाँ से, ये एच आउट लाइन है, ठीक है। यह पर मैं टच करके आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। और ये जो लाइन जा रहा है देखिए बीच में रेजिस्टेंस है, यह पर मैं टच करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक बार सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई देने के बाद आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद दोस्तों इसी टाइम आपको दिखाना चाहता हूँ कि ESD सप्लाई अभी इसी टाइम देखिए 141 वोल्ट ये कांस्टेंट है, मतलब फैक्चुरेट नहीं है। और इसका 180 वोल्ट लाइन देखिए 180 वोल्ट लाइन पर अभी इसी टाइम कुछ भी वोल्टेज नहीं है, मतलब ये IC से अभी एच आउट सिग्नल नहीं निकल रहा है। तो चलिए ये पिन पर कितना वोल्ट अभी मिल रहा है एच आउट सिग्नल लाइन का अंदर देखिए। तो दोस्तों 4 वोल्ट 4 5 ये भी वोल्टेज देखिए फैक्चुरेट। अब मीटर पर फॉलो कीजिए, 4 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट ये फैक्चुरेट वोल्टेज है, तो मतलब ये एच आउट सिग्नल का वोल्टेज कभी फैक्चुरेट नहीं होना चाहिए। तो इसी का रीजन से जब भी एच आउट सिग्नल फैक्चुरेट ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर पर आता है, इसी का रीजन से, तो मतलब जब सब सिग्नल ठीक जाता है तो उसी कंडीशन पर ESD ऑन हो जाता है, जब ये सिग्नल डाउन हो जाता है उसी कंडीशन पर ESD डाउन हो जाता है। तो ये कंटिन्यू चल रहा है ये सिग्नल के बजाय, ठीक है। तो चलिए ये पिन पर, ये पिन का मतलब ये जो फॉइल लाइन है, ठीक है, ये फॉइल लाइन पर टच करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर वोल्टेज भी फैक्चुरेट होने लगता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो फॉल्ट है इसका मतलब, चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको दिखाता हूँ कि ये IC खुद फॉल्ट हो सकता है और IC का जो अलग अलग वोल्टेज ये भी फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए मैं सप्लाई तो ऑफ किया और इसका अलग अलग जो वोल्टेज, चलिए मैं कुछ वोल्टेज आपको फिर भी दिखाना चाहता हूँ मैं सप्लाई। तो दोस्तों इसी टाइम आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो मेमोरी IC है, ये मेमोरी IC का ये साइड नेगेटिव है। तो दोस्तों ये एक नंबर पिन 2 3 4 5 6 7 8, तो दोस्तों ये 8 नंबर पिन ये सप्लाई पिन है, ठीक है। तो चलिए आपको एक बार सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ क्लियर करके कि ये जो मेमोरी पर कितना वोल्ट आ रहा है। मेमोरी पर सॉरी नेगेटिव मिसिंग हो गया, मैं नेगेटिव लगाने का बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मेमोरी पर सप्लाई कितना है, देखिए मेमोरी पर सप्लाई 5 वोल्ट ओके है, ठीक है। मेमोरी पर सप्लाई 5 वोल्ट ओके है, ये मेमोरी सप्लाई लाइन का एक नेगेटिव के साथ 5 वोल्ट का जेनर डायरेक्ट कनेक्शन है, तो इसलिए फिक्स्ड वोल्ट है। बट उसका बाद ये नेगेटिव पिन है और उसका बाद ये SCL, ठीक है, SCL वोल्ट 3. ये वोल्ट SCL और ये SDA, SCL और SDA वोल्ट दोस्तों अप डाउन कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये तो अप डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। SCL और SDA पिन वोल्टेज देखिए अप डाउन कर रहा है 3 वोल्ट और ये फैक्चुरेट हो रहा है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके इसी टाइम एक बार देखूंगा कि इसीलिए जो फर्स्ट टेक्नीशियन कि ये ट्यूनर का जो SCL SDA पिन हो सकता है जो कनेक्शन है, तो ये ओपन करके वो चेक किया। तो एक्चुअली ये SCL और SDA पिन ये कनेक्शन IC का साथ है, तो इसीलिए ये IC का दो पिन का एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो ये IC के अंदर जो कनेक्शन जा रहा है, देखिए ये जो लाइन जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है देखिए बीच में रेजिस्टेंस है, और ये जो लाइन जा रहा है यहाँ से देखिए, यहाँ से जो लाइन जा रहा है देखिए इधर आ रहा है, मतलब ये IC के अंदर जा रहा है। तो ये IC का ये पिन का अंदर SCL SDA पिन का एक ओपन करके देखूंगा कि ये फैक्चुरेट वोल्ट ये IC से हो रहा है कि ये IC से हो रहा है, मतलब मेमोरी IC से हो रहा है कि सिस्टम IC से हो रहा है,
ठीक है, ये देखने के बाद थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पोजीशन फॉल्ट है। चलिए मैं ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसी टाइम ये मेमोरी आईसी का SCL और SDF पिन को मैं ओपन किया, और इसी के साथ और कॉन्फर्म करने के लिए ये जो ट्यूनर है ट्यूनर का SCL SDF पिन को मैं ओपन कर दिया। करने के बाद मैं देखूँगा कि सिर्फ ये जो लाइन जा रहा है बीच में ये जो टेस्ट पॉइंट टाइप देखा जाता है, ठीक है, ये दो SCL लाइन का, ठीक है, ये SCL और SDF लाइन का जो आईसी का अंदर ये आ रहा है, ठीक है, ये लाइन से जो आ रहा है, इसी टाइम देखूंगा कि ये लाइन का वोल्टेज फैक्चुरेट अभी हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद ये ऑन होने का समय इसका रिले ये खट खट टाइप आज होने के बाद ऑन हो जाता है, ठीक है। और चलिए इसी टाइम कि ये जो आईसी का अंदर सप्लाई आ रहा है यहाँ पर SCL और SDF वोल्टेज फैक्चुरेट हो रहा है कि नहीं यहाँ पर देखना पड़ेगा। अभी 3.32 वोल्ट मतलब ये फैक्चुरेट अभी नहीं हो रहा है। और उसी के बाद ये लाइन का वोल्टेज एक बार देखना पड़ेगा, यहाँ पर वोल्टेज 3.67 मतलब फैक्चुरेट अभी इसी टाइम नहीं हो रहा है। तो चलिए ये आईसी का पिन पर मतलब आईसी का पास जो फॉइल लाइन है आप अच्छा करके देखिए, ये पॉइंट पर एक बार टच करके मैं देखता हूँ। देखिए अभी इसी टाइम इतना फैक्चुरेट नहीं है। तो चलिए इसका ऊपर पिन पर एक बार देखता हूँ। तो दोस्तों ये 3.5 वोल्ट 4 वोल्ट इसी तरह थोड़ा सा फैक्चुरेट हो रहा है। तो ये ट्यूनर पिन पर एक बार देखना पड़ेगा, ये जो ट्यूनर पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों देखिए ये फैक्चुरेट हो रहा है, सॉरी फैक्चुरेट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा 3.3। और ये ट्यूनर पिन पर मैं कनेक्शन करने के बाद देखिए मीटर लेके जब मैं पूरा कनेक्शन कर दिया, कनेक्शन करने के बाद ये 3.52 इसी तरह 3 वोल्ट 5 वोल्ट 4 वोल्ट इसी तरह वोल्ट अप डाउन हो रहा है। तो दोस्तों ये ट्यूनर तो फॉल्ट नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये दो पिन तो मैं ओपन किया है, तो इसी टाइम ये पिन को फिर भी एक बार कनेक्शन कर दूंगा। कनेक्शन करने के बाद एक बार देखूंगा क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी टाइम मैं इसका मेमोरी आईसी में चेंज किया। देखिए ये ओरिजिनल मेमोरी आईसी है, 24C16 वाला ये मेमोरी आईसी है, यहाँ पर एक अलग से मेमोरी आईसी लगाया। लगाने के बाद इसका SCL SDF वोल्टेज देखिए तब भी दोस्तों इसी तरह फैक्चुरेट हो रहा है। तो दोस्तों और कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये जो मैंने प्रोसेसर आईसी है ये प्रोसेसर आईसी चेंज करूँगा। तो एच आउट सिग्नल वोल्टेज भी आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर जो सिग्नल आ रहा है ये लाइन से, ठीक है, SCL एच आउट सिग्नल, ये वोल्टेज भी अभी देखिए फैक्चुरेट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ये आईसी ओपन करके ये आईसी लगाने के बाद आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह प्रोसेसर आईसी ओपन करने के लिए हॉट एयर गन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह मैं जो बहुत डिटेल्स आपको इसका ऊपर वीडियो बना के देखा है किस तरह आप नॉर्मल 25 वाट आयरन सी ओपन कर सकते हो और उसका बाद यह आईसी को आप लगा सकते हो न्यू आईसी को, ठीक है। तो उसका अंदर मैं डिटेल सब कुछ बताया, बट ये वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा इसी तरह प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ। दिखाने के बाद ये आईसी को मैं आपका सामने में ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद आपको लगा के देखूँगा। तो दोस्तों इसी तरह करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, बट दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिया और थोड़ा सा कट करके आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि देखिए आईसी को मैं ओपन किया। ओपन करने के बाद साफ सब काटना पड़ेगा, देखिए साफ सब किया, साफ सब करने के बाद ये पोजीशन थोड़ा छेड़छाड़ हो गया, मतलब वो पहले वाला जो टेक्नीशियन उसको वो पिन ओपन करके रखा था। तो मेरा पास ये सब आईसी है न्यू आईसी, यहाँ पर मैं लगा। फाइनली दोस्तों ये आईसी को मैं सोल्डरिंग किया और अभी तक साफ सब नहीं किया, बट थोड़ा ये जो पोजीशन छेड़छाड़ हो गया, मतलब पहले ही वो जो टेक्नीशियन ये पिन को ओपन किया था तो फॉइल लाइन टूट गया, तो इसीलिए मैं ये दो नंबर पिन का साथ देखिए एग्जाम्पल कर दिया, ठीक है। कभी कभी इस तरह हो जाता है, बट इसका अदरवाइज पिन सब कुछ ही ओके है। तो चलिए इसी का साथ ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर को मैं सोल्डरिंग कर दिया और इसका जो मेमोरी आईसी ओरिजिनल ये मैं लगाया, ठीक है। लगाने के बाद चलिए एक बार सप्लाई दे के देखूँगा क्या रिजल्ट आता है।
और वोल्टेज भी आपको इसी टाइम दिखाऊंगा। तो दोस्तों लगता है टीवी तो ऑन हो गया, तो चलिए एक बार स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों स्नो, इसका स्नो आ गया। तो ये सैमसंग का जो सिस्टम है कि ये भी करने के लिए ये बॉटम, ये भी बॉटम नहीं है। तो चलिए मेरा पास रिमोट है दोस्तों, देखिए ये सैमसंग का रिमोट है, ठीक है। एक बार सोर्स बॉटम दबाने के बाद देखना पड़ेगा दोस्तों, ऑडियो वीडियो में कनेक्शन करके ही रखा हूँ। तो चलिए मैं सोर्स बॉटम दबाने के बाद, देखिए दोस्तों इसका वीडियो भी आ गया। तो दोस्तों ये अल्ट्रा स्लिम पीसीबी है और मैं नॉर्मल ट्यूब पर लगाया, इसलिए इसका अंदर जो पिक्चर देखिए बहुत ही बड़ा देखा जाता है, ठीक है। तो ESD को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका बाद साउंड भी टेस्ट करके एक बार देखना पड़ेगा। और चलिए इसी टाइम मेनली कुछ वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए जो मेमोरी IC का जो SCL SDA वोल्टेज अभी इसी टाइम कितना है। देखिए देखिए 3.4 वोल्ट, और देखिए थोड़ा सा फ्रैक्चुरेट बट ज़्यादा फ्रैक्चुरेट नहीं हो रहा है। और उसका बाद ये जो ये दोस्तों SCL और ये SDA, तो देखिए दोनों सेम वोल्ट, ये बराबर वोल्ट है, ठीक है। पहले ही इसका वोल्टेज बहुत गड़बड़ था। और उसका बाद चलिए इसी टाइम आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक दोस्त का कमेंट कि डाइवर सप्लाई कितना है जब स्टैंड बाई से ऑन हो जाएगा। देखिए डाइवर सप्लाई इनपुट वोल्टेज, ठीक है, डाइवर सप्लाई इनपुट वोल्टेज अभी देखिए 10 वोल्ट है, 10.3 वोल्ट 2 वोल्ट इसके आसपास है। और उसका बाद इसका आउटपुट जो डाइवर ट्रांजिस्टर पर जो वोल्ट जाता है, ये पिन पर वोल्टेज देखिए 9.7 वोल्ट। अब अच्छा करके देखिए 9.57 वोल्ट का आसपास, ठीक है। और इसका 180 वोल्ट लाइन का वोल्टेज कितना है, 180 वोल्ट लाइन का वोल्टेज 198 वोल्ट, ठीक है। तो दोस्तों 198 वोल्ट, बट अलग अलग ये कॉइल का अंदर लगाने के बाद ये वोल्टेज चेंज हो जाता है। और इसका ESD सप्लाई वोल्ट कितना है, ESD सप्लाई वोल्ट अभी इसी टाइम 120 वोल्ट। तो दोस्तों सैमसंग सेट का जो सप्लाई होता है 125 वोल्ट का आसपास, बट ये 120 वोल्ट, तो ये भी काम चल जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो और क्या देखाऊंगा, चलिए एक बार स्टैंड बाई ऑफ करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए देखिए मैं स्टैंड बाई किया, ये स्टैंड बाई होने का बाद ये डाइवर सप्लाई का वोल्टेज कितना है, ये डाइवर सप्लाई का वोल्टेज अभी इसी टाइम देखिए 7 वोल्ट है, ठीक है। और इसका आउटपुट वोल्टेज जो डाइवर ट्रांजिस्टर पर जाता है यह पर भी 7 वोल्ट है, ठीक है। तो अलग अलग चैसिस के ऊपर अलग अलग वोल्टेज देखा जाता है। और दोस्तों इसी टाइम देखना चाहता हूँ कि डाइवर ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन पर जो मेन प्रोसेसर IC से सिग्नल आता है, आपको फर्स्ट टाइम बताया कि 0.4 वोल्ट के आसपास ये पिन पर सिग्नल आता है, मतलब वोल्टेज का रूप से यहाँ पर देखा जाता है। देखिए मीटर पर 0.4 वोल्ट के आसपास। तो दोस्तों देखिए ये पोजीशन बहुत फ्रैक्चुरेट आपको फर्स्ट टाइम दिखाया। आप अच्छा करके देखिए ये जो पॉइंट है यह पर 0.4 वोल्ट के आसपास सिग्नल। तो दोस्तों ये जो सिग्नल लाइन है और ये जो सिग्नल देखिए IC से आ रहा है, तो चलिए आपको इसी टाइम ये पॉइंट पर दिखाना चाहता हूँ कितना वोल्ट है। ये पॉइंट पर भी दोस्तों ये जो ईच आउट सिग्नल, ये पॉइंट पर भी इसी तरह सिग्नल देखा जाता है 0.45 वोल्ट के आसपास। और ये जो IC पिन है, तो IC पिन पर भी वोल्टेज आप देख सकते हो 0.8 वोल्ट। तो ये ट्रांजिस्टर ओपन करने के बाद कितना वोल्ट आता है आपको एक बार दिखाना पड़ेगा। तो चलिए एक बार दिखाना चाहता हूँ, मैं सप्लाई को ऑफ करके सोल्डरिंग को ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसी टाइम में ये जो डाइवर ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन, ये मैं ओपन किया। आप अच्छा करके देखिए ये पिन को मैं ओपन किया और मैं सप्लाई देख के रखा है। ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर सप्लाई अभी आ रहा है 12 वोल्ट, ठीक है।
अभी सप्लाई आ रहा है 12 वोल्ट, मतलब भी अनलोड कंडीशन पर है। और बेस पिन पर जो 0.4 वोल्ट सिग्नल आना चाहिए, अभी ये पॉइंट पर आप देखिए कितना वोल्ट है। चलिए मैं ये लाइन जो जा रहा है इसका अंदर, ये पॉइंट पर आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये पॉइंट पर अभी इसी टाइम भी 5 वोल्ट से ये देखिए इसी तरह वोल्टेज तब भी अप डाउन हो रहा है, मतलब ये एच आउट सिग्नल है। बहुत पीसीबी के अंदर ये वोल्टेज फिक्स्ड देखा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सैमसंग पीसीबी के अंदर ये कॉन्फ्यूज ऑन लाइन है, ठीक है। तो ये एच आउट सिग्नल का लाइन है, देखिए यहाँ पर तब भी वोल्टेज फैक्चुरेट देखा जाता है न्यू आईसी लगाने का बाद। बट ये सेक्शन, ये सिग्नल ओके है, इसी तरह सिग्नल यहाँ से आउटपुट हो रहा है। इसका जो प्रॉब्लम एक्चुअली ये आईसी का इंटरनल प्रॉब्लम से ही इसका ईएसटी ऑन नहीं हो रहा था, इसका ये प्रॉब्लम था। तो चलिए आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि देखिए अभी लाइट नहीं आया स्क्रीन का अंदर, और ये जो बेस पिन है, ये बेस पिन का अंदर मैं यहाँ पर आपको अच्छा करके दिखाना चाहता हूँ। ये टच करने का बाद देखिए 0.4 वोल्ट का आसपास हो जाता है, और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए, देखिए लाइट और पिक्चर आ जाता है, ठीक है। तो ये इसी तरह टच करने का बाद,